हमास के हमले के 50 दिन बाद इजराइल में लौटी खुशी। फिलिस्तीन में 50 दिनों की तबाही के बाद जश्न का माहौल। वजूद बचाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये कोई इस्माइल हानिया से पूछे। और बदले की आग में लोग क्या कुछ कर गुजरते हैं, ये कोई नेतन्याहू से पूछे। हमास इजराइल युद्ध के ये दो दमदार किरदार पिछले 50 सालों में हुए हर हरकत के लिए जवाबदेह हैं। इन दोनों की जवाबदेही की फहरिस्त कितनी लंबी है ये बताएंगे आपको, लेकिन पहले बात उस तस्वीर की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। फिलिस्तीन और इजराइल के एक एक बाशिंदे की नजरें टिकी हुई थी। शुक्रवार को हमास ने इजराइल के करीब 250 बंधकों में से 24 बंधकों को रिहा किया, जिनमें इजराइल के 13 नागरिक, थाईलैंड के 11 नागरिक और फिलीपींस का एक नागरिक शामिल है। बदले में थाईलैंड ने भी अपने जेलों में बंद 39 फिलिस्तीनियों को आजाद किया। ये हमास और इजराइल के बीच हुई डील का पहला नतीजा है। अभी दोनों तरफ से और ज्यादा बंधकों और कैदियों को रिहा किया जाना बाकी है, लेकिन सवाल है, जब हमास को इजराइल के आगे घुटने टेकने ही थे तो इस्माइल हानिया 50 दिनों तक गाजा की बर्बादी क्यों देखता रहा? गाजा के लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों मकान या तो जमींदोज हो गए या फिर रहने के लायक नहीं बचे। गाजा की ऐसी तबाही उसके अब तक के इतिहास में पहली बार हुई, और यही हमास चीफ इस्माइल हानिया की सबसे बड़ी चूक थी। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी इस्माइल हानिया ने सोचा था कि हमास इजराइल के लोगों को बंधक बनाकर नेतन्याहू सरकार को फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने पर मजबूर कर देगा, लेकिन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में 1200 लोगों का कत्लेआम कर इजराइल के सब्र का बांध तोड़ दिया। इसके बाद इजराइल ने हमास से 50 दिनों तक जो इंतकाम लिया उससे गाजा का नक्शा ही बदल गया। इजराइल ने 1200 लोगों की जान के बदले गाजा में 13,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, और हमास को भी अपने हजारों लड़ाकों की मौत देखनी पड़ी। इसके बाद भी जब इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब हमास को अपने वजूद का डर सताने लगा, और इसी डर ने इस्माइल हानिया को इजराइल के साथ समझौते की टेबल पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमास के इस फैसले पर गाजा में बेघर हुआ हर नागरिक इस्माइल हानिया से पूछ रहा है कि बंधकों को छोड़ना ही था तो गाजा को पूरी तरह से बर्बाद क्यों होने दिया। शुक्रवार को जब गाजा लौट रहे बंधकों को लेकर एक काफिला गुजर रहा था तो इजराइल की एक सड़क पर जयकार करती भीड़ जमा हो गई। जैसे ही काफिला हेरत्ज़ेरेम वायुसेना बेस की ओर बढ़ा, इजरायली झंडों में लिपटे लोगों ने सड़क किनारे नारेबाजी शुरू कर दी, जयकारे लगाए और गाना गाया। खुशी और जश्न का यही माहौल दूसरी तरफ फिलिस्तीन में भी था। इजराइल की जेल से रिहा हुए 39 कैदियों में पहली कैदी 24 साल की एक लड़की थी, जिसे वापस पाकर उसके माता पिता की आंखें नम हो गईं। इजराइल की कैद से रिहा होकर जब ये 17 साल का फिलिस्तीनी लड़का लैथ ओथमैन वेस्ट बैंक पहुंचा तो इसके इस्तकबाल के लिए हजारों लोग जमा हो गए। लोगों ने उसे कंधे पर उठा लिया, ऐसा लगा मानो फिलिस्तीनियों को गाजा में 13,000 लोगों की मौत और बर्बादी का उतना गम नहीं जितनी कि 39 फिलिस्तीनियों की रिहाई की खुशी है। इस दौरान लैथ ओथमैन ने इजराइल की जेल के हालात बयां किए और अपना अनुभव साझा किया।
الوضع جوا صعب 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 على الاخر صعب الوضع يعني ما اقدرش اوصف الوضع جوا قد ما هو صعب كيف يعني؟ يعني تطلعش من الغرفة ما فيش أكل زي الخليج ما بجيب لكش وجبات طعام منيحة يعني ما فيش إشي يعني حالة تجويع على الآخر ما فيش إشي منيح جوا السجن الوضع مأساوي على الآخر. इधर हमास की कैद में 50 दिनों से बंधक बने इजराइल की एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ वापस लौटी तो उसके पति की आंखें नम हो गई और उसने कैमरे के सामने अपनी भावनाएं साझा की। אני שמח שקיבלתי בחזרה את משפחתי. מותר לשמוח ומותר להזיל דמעה. זה דבר אנושי. אבל אני לא חוגג, אני לא אחגוג עד אשר לא יחזור אחרון החטופים. יוני קארדס קא יהי ג'זבה, יהי ভাবনা אור יהודיו কে লিয়ে יהי סוচ अकेले एक इजरायली नागरिक के नहीं है। यह समूचे इजराइल का संस्कार है जो उन्हें एकजुट रखती है और पूरे इसराइल को एक परिवार की तरह बांधे रखती है। इसीलिए इसराइल अरब की धरती पर टिका हुआ है और हमास जैसे अपने दुश्मनों को घुटने पर लाने का दम रखता है। लेकिन सभी बंधकों की रिहाई के बाद भी नेतन्याहू अपनी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे। उन्हें 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले का जवाब देना होगा जिससे वो युद्ध के बहाने बचते आ रहे हैं। हमास और इसराइल के बीच जो डील हुई है उसके मुताबिक हमास कुल 50 बंधकों को छोड़ेगा जिसमें से 39 बंधक छोड़े जा चुके हैं जबकि बाकी बंधकों को छोड़ा जाना बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने उम्मीद जताई है कि हमास और इसराइल अपने समझौते पर टिके रहेंगे और इसे कायम रखने में अमेरिका भी अपनी सक्रिय भूमिका तब तक निभाता रहेगा जब तक इसराइल का हरेक बंधक लौट कर अपने घर वापस नहीं आ जाता।